हेलो ब्रियन, आईसीआईसी बैंक की तरफ से रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीमशन को लेकर न्यू अपडेट आया है। क्योंकि अभी तक आप आईसीआईसी बैंक में जितना भी रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करते थे उन सभी को आप पेबैक रिवॉर्ड सिस्टम के जरिए रिडीम कर पाते थे। क्योंकि अभी तक आईसीआईसी बैंक ने अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करवाने के लिए पेबैक के साथ में पार्टनरशिप करके रखा हुआ था, लेकिन 31 मार्च 2022 के बाद में ये जो पार्टनरशिप है खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आपको आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के द्वारा अर्न की हुए रिवॉर्ड को रिडीम करने के लिए न्यू पार्टनर साइट पर आपको जाना पड़ेगा। तो कौन सा न्यू पार्टनर साइट है इसके बारे में अभी कोई डिटेल नहीं आया है, लेकिन किस तरह से रिवॉर्ड सिस्टम वर्क करेगा, कितनी इसकी आपको वैलिडिटी मिलेगी, इसके बारे में काफी सारा अपडेट आ गया है जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो आप सभी का और ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो आईसीआईसी बैंक के न्यू रिवॉर्ड रिडीमशन प्लेटफॉर्म के बारे में बताने से पहले यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 31 मार्च 2022 तक आप जितना भी रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करोगे उन सभी रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप पेबैक के वेबसाइट पर जाकर रिडीम कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल के बाद में आप जितना भी रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करोगे वो सारा रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके न्यू रिवॉर्ड सिस्टम के प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट होगा। चाहे आप जितना भी क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का यूज करोगे उस पर जो भी रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा वो सभी आपको न्यू वाले प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिलेगा। और जो भी आप रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पर अर्न करोगे उसे आप रिडीम 1 जुलाई 2022 के बाद ही कर पाओगे। तो यदि अगर हम बात करें न्यू रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म के फायदों का, तो देखिए जिस तरह से न्यू रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म आएगा तो उस पर नए नए ब्रांड्स भी आएंगे। तो आपको क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के द्वारा स्पेंड की हुई मनी पर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा उनको कन्वर्ट करने का ऑप्शन आपके पास में ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ये ऑप्शन होगा कि आप फ्लिपकार्ट का वाउचर ले सकते हो, अमेजोन का वाउचर ले सकते हो। इवन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा उसको आप स्टेटमेंट बैलेंस में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले आपको रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैलिडिटी थी पूरे 1 साल की मिलती थी, लेकिन अब इसकी वैलिडिटी बढ़ाकर पूरे 3 साल यानी 36 महीनों की कर दी गई है। तो अब आप अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के द्वारा स्पेंड की हुई मनी पर अर्न जितना भी रिवॉर्ड पॉइंट करोगे उसको आप 3 साल के अंदर में कभी भी रिडीम कर सकते हो। तो अब आपको रिवॉर्ड पॉइंट के एक्सपायर होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सो ये एक शॉर्ट अपडेट आया था आईसीआईसी बैंक के न्यू रिवॉर्ड प्रोग्राम लॉन्च के बारे में। तो आप आईसीआईसी बैंक के रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम अभी तक किए कि नहीं पेबैक पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए न्यू रिवॉर्ड सिस्टम में कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा हो सकता है, किसी वेबसाइट पर शॉपिंग करना या जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिले उसको कन्वर्ट करके अपने स्टेटमेंट में ऐड करना, हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। मैं मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।